भारतीय खानपान में प्रोटीन के स्रोत के रूप में दालों का विशेष महत्व है। देश के हरे भरे खेतों में दलहनी फसलों की अनोखी छटा लहलहाती दिखाई देती है। विश्व में दलहन उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, लेकिन घरेलू मांग पूरी करने के लिए हमें दालों का आयात भी करना पड़ता है। भारत में दलहनी फसलों की प्रति हेक्टेयर उपज उत्पादक क्षमता से कम है। इसके लिए अनेक जैविक एवं अजैविक कारक जिम्मेदार हैं। जैविक कारकों में फलीभेदक यानी हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा प्रमुख है। ये कीट पूरे भारत में चना और अरहर की फसल को भारी नुकसान पहुंचाता है। जैसे गर्मी के महीने में खेतों की गहरी जुताई व समय से बुआई व चना और अरहर की फसलों के साथ दूसरी अंतः फसल लेना, खड़ी फसलों में इस कीट के प्रकोप की निगरानी के लिए समेकित कीट प्रबंधन का दूसरा व्यव है यौन आकर्षण जाल। ये यौन आकर्षण जाल है, इसको चना फली भेदक की निगरानी के लिए खेत में लगाते हैं। इस गुटके में चना फली भेदक की मादा की गंध होती है, जिससे कि नर वयस्क इसमें की तरफ आकर्षित होकर इस पॉलीथीन बैग में आकर नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। इसे फसल से 2 फुट की ऊंचाई पर 4 से 5 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाया जाता है। इस ट्रैप में 4-5 नर पतंगों के 4-5 रातों तक लगातार फंसने से समझ लेना चाहिए कि फसल पर चना फली भेदक कीट का प्रकोप होने वाला है, जिससे सभी किसान फसल सुरक्षा उपायों का इंतजाम शुरू कर दें। खड़ी फसलों में इस कीट की अन्य विधि से निगरानी के लिए सफेद कपड़ा जमीन पर बिछाकर पौधों को झटक कर झाड़ना चाहिए, और यदि इस कीट की 1 सूंडी प्रति मीटर चने की फसल में या 1 सूंडी प्रति पौधा अरहर में मिलने लगे तब फसल सुरक्षा उपाय तुरंत अपनाने चाहिए। चना फली भेदक कीट के प्रबंधन हेतु जैविक उपाय भी कारगर हैं, जिसमें कीट की सूंडी अवस्था में इनके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे पक्षियों और परजीवियों का उपयोग किया जाता है। जैविक उपायों में न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस विषाणु यानी NPV का उपयोग प्रभावी व पर्यावरण हितैषी भी है। NPV घोल बनाने के लिए NPV ग्रसित काले रंग की 10 से 15 फली भेदक की सूंडियों को खेतों से 1 डिब्बे में इकट्ठा कर लें। ग्रसित सूंडी न मिलने पर खेतों से 10 से 15 स्वस्थ सूंडियों को इकट्ठा कर लेना चाहिए और पहले से तैयार NPV घोल में 2 घंटे तक भीगे चने के दाने इन सूंडियों को खिलाएं।
पांचवें दिन इन सूढ़ियों को इकट्ठा करके पानी के साथ मसल कर महीन कपड़े से छान लें। एनपीवी की मात्रा को लार्वा समतुल्य यानी एलई की इकाई में नापा जाता है। तीन एनपीवी ग्रस्त सूढ़ियों से प्राप्त तैयार घोल को एक एलई माना जाता है। सूंडी के प्रभावी नियंत्रण के लिए चने की फसल पर 250 एलई 250 लीटर पानी और अरहर की फसल पर 350 एलई एनपीवी 350 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर का छिड़काव प्रभावी होता है। छिड़काव के लिए पानी में एनपीवी घोल में प्रति लीटर की दर से 1 मिलीलीटर टीपॉल, 1 ग्राम गुड़ और 1 मिलीलीटर तरल साबुन भी मिलाया जाता है। एनपीवी घोल का छिड़काव सुबह या शाम के समय ही करना चाहिए, जिससे सूरज की तेज किरणों से एनपीवी का प्रभाव कम ना हो जाए। इस कीट के जैविक प्रबंधन के लिए पक्षियों को बैठने के लिए खेत में अंग्रेजी के टी आकार के 30 से 40 अड्डे प्रति हेक्टेयर की भी सिफारिश की जाती है। पक्षी इन्हीं अड्डों पर बैठकर सूंडियों को खाते हैं। परजीवी कीड़ों को आकर्षित करने के लिए चने के खेत के चारों ओर धनिये की फसल को उगाना लाभकारी पाया गया है। चना फली भेदक की सूंडी का प्रारंभिक अवस्थाओं में नीम की निबौली के सत द्वारा प्रभावी प्रबंधन संभव है। नीम की निबौली का सत के लिए 15 किलोग्राम सूखी निबौलियों के दानों को ओखली में कूटकर एक पतले कपड़े में बांधकर रात भर पानी की बाल्टी में भिगो दें। सुबह पोटली को दबाकर दूध या रस बाल्टी के पानी में निकाल लें। इस घोल को 85 लीटर पानी में मिलाकर खेतों में छिड़काव करें। 15 किलोग्राम निबौली से प्राप्त सत 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है। यदि इन सभी उपायों से चना फली भेदक का प्रभावी प्रबंध न हो सके तो पर्यावरण हितैषी कीटनाशी रसायन जैसे इंडेक्सोकार्प, स्पाइनोसेट और इमामेक्टीन बेंजुएट का सामयिक प्रयोग कर चना व अरहर की फसलों को नुकसान से बचाया जा सकता है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर द्वारा विकसित चना फली भेदक कीट के समेकित प्रबंध के उपायों को अपनाकर किसान भाई फसल को नुकसान से बचा सकते हैं और चना व अरहर का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाकर अपना मुनाफा भी बढ़ा सकते हैं। दलहन अनुसंधान द्वारा आपको चना और अरहर में लगने वाले फली भेदक की रोकथाम के लिए जैव उत्पाद किस तरीके से आप अपने खेत में प्रयोग करते हैं और उससे आपको क्या लाभ होगा? पहले हम फसल बोते हैं चना या अरहर, उसमें जो है फूल जो आता है तब उसमें पतंगी आनी शुरू हो जाती। पतंगी आई तो हम लोगों ने देखा कि पतंगी आने लगी तो हमने उसमें निभौली का सत का घोल का छिड़काव कर देते हैं। अगर उससे भी सूढ़ी का पतंगी से नहीं मरती है, अंडा दे देती है, तो उसमें हम बायो वायरस का छिड़काव कर देते हैं। अगर बायो वायरस से भी नहीं मरती है, सूढ़ी फली के अंदर जाने लगती है, तो हम स्पाइनोसेट का छिड़काव कर देते जिससे हमारी फसल पूर्णतः रूप से बच जाती है तो हमें पूरा फसल का लाभ मिल जाता है। लाभ मिल जाता है तो हम किसानों को उससे लाभ होता है।